अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ माय कलीग्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद से सब ठीक ठाक तैयार मज़े में होंगे। आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम ऑर्डर फाइव। ऑर्डर फाइव है इशू एंड सर्विस ऑफ द समन। अगर हम इस ऑर्डर को कंटिन्यू करने से पहले अगर हम कुछ सेक्शंस पढ़ लें, एज यू ऑल नो, मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि सीपीसी को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है इसका सब्सटेंटिव पार्ट, दूसरा प्रोसीजरल पार्ट। सब्सटेंटिव पार्ट में हमारे सेक्शंस आते हैं जो हमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बताते हैं, फिर उनका प्रोसीजर, वो प्रोसीजरल पार्ट जो हमारा ऑर्डर्स है उनमें बताया गया है। तो अब ऑर्डर फाइव इशू एंड सर्विस ऑफ द समन से रिलेटेड कुछ सेक्शंस हैं जो हमको कवर करने पड़ेंगे। वो सेक्शन है 27 to 32, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसलिए मैं लेक्चर उसको भी कंटिन्यू कर रहा हूँ ऑर्डर के साथ। तो आइए सेक्शन 27 पे आते हैं। सबसे पहले 27 है, सेक्शन 27 कहता है समन्स टू द डिफेंडेंट। जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है किसी कोर्ट में, जब भी कोई सूट दाखिल होता है इस दिस, उस कंडीशन में क्या होता है कि समन्स सर्व किया जाता है डिफेंडेंट को। इसका मतलब ये है कि जब भी, अगर फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने एक सूट दाखिल किया, मैंने एक सिविल सूट दाखिल किया, तो अब जिस शख्स के खिलाफ क्या उसको पता लगना चाहिए, उसको नॉलेज में लाने के लिए ये समन्स भेजा जाता है। समन्स से मुराद ये है कि उसको ताकि पता चले कि आपके खिलाफ कोई सूट दाखिल हुआ है, और इसलिए जिस कोर्ट में सूट दाखिल हुआ वो कोर्ट समन सर्व करे थी ताकि डिफेंडेंट अपीयर हो जाए। समन्स का बेसिकली मकसद होता है टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम व्हिच आर फाइल्ड इन प्लेन, कि जिस जो सूट दाखिल किया हुआ है आपके खिलाफ, आप आइए कोर्ट में उसका जवाब दें। तो ये था बेसिकली 27 सेक्शंस। 27 के अंदर इतनी बात की गई है कि समन्स टू द डिफेंडेंट, जिसके खिलाफ सूट हमने दाखिल किया है उसको बुलाया जाएगा, उसको बुलावा, समन इज बेसिकली बुलावा, आप आइए, आप जवाब दीजिए कोर्ट में, अगर आपके खिलाफ कोई क्लेम्स वगैरह हैं तो आप आइए कंटिन्यू करें। अब आते हैं 28 पर। सेक्शन 28 का था सर्विस ऑफ द समन वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स इन एन अदर प्रोविंस। अब कहता है कि अगर हमने सूट दाखिल किया है और जिसके खिलाफ सूट दाखिल किया है डिफेंडेंट इन अदर प्रोविंस में रह रहा है, भाई मैं हूँ सिंध का और मैंने सूट दाखिल किया है जिस शख्स के खिलाफ, वो बंदा है केपीके का, वो बंदा है पंजाब का, वो बंदा है बलूचिस्तान का, मीन्स इन अदर प्रोविंस, तो इस सूरत में क्या क्या किया जाएगा? इसमें यह है कि जब भी कोई ऐसा सूट दाखिल किया जाए जिसमें डिफेंडेंट हमारा हो, वो इन अदर प्रोविंस में रिजाइड करे, तो इन दिस केस में हम वहाँ समन करेंगे जहाँ वो रह रहा है। अब इसको एग्जांपल में लेते हैं, मैं हूँ सिंध का और मैंने केस फाइल किया है पंजाब में, पंजाब में भावलपुर, रैमियार खान, यहाँ की किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट का वो रहवासी है, तो अब इस सूरत में क्या होगा कि मैं सूट फाइल करने के बाद जो समन्स किया जाएगा, समन वो उस प्रोविंस के उस कोर्ट में किया गया जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो बंदा रह रहा है, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो हमारा डिफेंडेंट रह रहा है, तो इस सूरत में समन सर्व किया जाएगा उस प्रोविंस में किया जाएगा जिस प्रोविंस में वो रह रहा है, और फिर वो प्रोविंस जहां हमने सेंड किया है जिस कोर्ट में, वो कोर्ट उसे सर्व करेगी, और उस समन को ये तसव्वुर किया जाएगा, ये माना जाएगा कि यहां की कोर्ट ने किया है, मीन्स वैल्यू ऑफ द समन विल रिमेन सेम, वही होगी जैसे सिंध की कोर्ट ने किया है या यहां की कोर्ट की जहां प्लेंट फाइल हुई है वहां ने किया है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट ली जाएगी, उसमें क्या होगा कि जो रिसीव करेगा वो अपनी रेक्टिफिकेशन शो करेगा दैट आई हैव रिसीव्ड द समन। ये था हमारा सेक्शन 28 में कलेक्टिवली लेते हैं ये बात की गई है कि अगर किसी और प्रोविंस में रह रहा है डिफेंडेंट, तो इस सूरत में उस प्रोविंस की कोर्ट में सेंड किया जाएगा जिसके हद में वो रह रहा है, और उसकी वही वैल्यू होगी जो यहाँ से भेजा गया है, उसके बाद वो रिसीव करके उसका आंसर बैक टू इन कोर्ट करेगी। अब आते हैं हम सेक्शन 29 पे। सेक्शन 29 कहता है द सर्विस ऑफ द फॉरेन समन्स। अभी सर्विस ऑफ द फॉरेन समन्स में ये है कि अगर हमें हमारा डिफेंडेंट जो है वो फॉरेन में रह रहा है, या वहाँ से कोई समन्स आ रहा है, कोई सिविल है, रेवेन्यू है, इस टाइप का कोई भी मैटर का कोई ऐसा समन्स आ रहा है, तो इस सूरत में सबसे पहले बात ये है कि ये सारा समन्स का प्रोसेस जो फॉरन है वो एम्बेसीज़ के थ्रू होता है, फॉरन एम्बेसीज़ के थ्रू होता है, और इसका मेथड प्रोसीजर जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गजट अपना टोटल प्रोफेशन वाजे करती है, तो प्रोसीजर इसका क्या होगा
टू गिव द समन्स। सो फॉरन समन का ये होता है कि जब भी कोई सर्विस कोई भी समन्स इशू किया जाता है तो इस सूरत में जहां वो डिफेंडेंट रह रहा है वहां इशू किया जाएगा, और उसके बाद अगर वहां से कोई समन आ रहा था वही फॉरन एम्बेसी के थ्रू जहां डिफेंडेंट रह रहा वहां आएगा, और इसका प्रोसीजर जो होगा वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल गजट के अंदर डिक्लेयर करेगी आप इस तरीके से। और जो आप समन जब सेंड हुआ समन जब रिसीव हुआ उसके बाद विद इन 30 डेज के अंदर उसको अपीयर होना है, Tenure is 30 days. अब हम आते हैं सेक्शन 30 पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अक्सर काफ़ी जुडिशियल एग्जाम से काफ़ी टेस्ट हैं उनमें भी ये सवाल आया करता है। 30 और 32 को रिलेट करके क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं, सो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो आज आए सेक्शन पे, द पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। अब इसमें कह रहा है कि कोर्ट एवी ऑल और कोर्ट हैव अ सोल पावर, कोर्ट के पास बहुत सारे पावर हैं कि वो कुछ भी ऐसा ऑर्डर पास करता है या इसके साथ समन इशू कर सकता है। सो इस सेक्शन के अंदर ये बात वाजी की गई है कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन इज मे बी प्रिस्क्राइब्ड द कोर्ट में एट एनी टाइम इधर इज ओन मोशन और एप्लीकेशन टू एनी पार्टी। वो अपने आप अपने डिस्क्रिशन पावर के ऊपर किसी भी शख्स को कोई भी ऐसी एप्लीकेशन या कोई भी ऑर्डर पास करती है जिसमें वो किसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की डिलीवरी के लिए ऑर्डर पास कर सकती है, या इंटेरोगेटरीज होते हैं क्वेश्चंस आंसर जो पार्टीज देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पार्टी दूँ, मेरी तरफ से मैं क्वेश्चन आंसर कुछ दे देता हूँ कोर्ट के अंदर के डिफेंडेंट पार्टी दें वो हमें इनका जवाब दे दिएगा, या एडमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स से फैक्ट से, या हम क्या कर रहे हैं कि भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं कोर्ट में ताकि जो डिफेंडेंट पार्टी है वो उसको एडमिट करे या ना करे, जस्ट इस डॉक्यूमेंट्स पे बात है। उसके बाद डिस्कवरी है, इंस्पेक्शन है, प्रोडक्शन है, इंपाउंडिंग है, रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट है, मटीरियल ऑब्जेक्ट इटी थी कह रहे हैं। इनके साथ साथ जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है इंस्पेक्शन करना चाह रही है कोर्ट इसके भी लिए भी डिस्कवरी करते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट्स उनको ज़रूरत है तो उसकी डिस्कवरी के लिए भी कोई ऑर्डर पास कर सकती है, या इसके अलावा इंपाउंडिंग है अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह सीज की इस सूरत में भी उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह की रिक्वायर्ड कर सकती है। इसके साथ साथ ये भी कोर्ट इशू कर सकती है ऐसा संबंध जिसमें अगर किसी शख्स की अटेंडेंस किसी शख्स की प्रेजेंस ज़रूरी हो तो उसको भी कर सकती है, और उसके साथ साथ अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन जो उनके पास हैं और उनका ज़रूरी है कोर्ट में आना तो इस सूरत में उस शख्स को उस शख्स के साथ साथ उस डॉक्यूमेंट्स को भी साथ दे सकती है ऑर्डर में। इसके साथ इसकी क्लॉज सी है ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव बाय एफिडेविट, या उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो वेरी सेंसिटिव फैक्ट्स हैं तो इन केस में के कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकती है आप जो भी ये फैक्ट्स हैं जो भी ये बातें हैं जो भी ये स्टेटमेंट है ये आप इन फॉर्म ऑफ द एफिडेविट दें। तो ये था हमारा सेक्शन 30। सेक्शन 30 बेसिकली द पावर्स ऑफ द कोर्ट को वादे कर रहा है कि कोर्ट के पास सोल पावर है कोई भी अपनी ऑन डिस्क्रिशन पे कोई भी एप्लीकेशन पार्टी को दे सकती है जिसके अंदर वो डॉक्यूमेंट है इंटरोगेटरी है इंपाउंडिंग है इंस्पेक्शन है या ऐसी कोई भी प्रेजेंस ऑफ द पार्टी है या उसके साथ साथ कोई ऑर्डर फैक्ट्स वगैरह है वो इन केस ऑफ द एफिडेविट भी ले सकती है। अब हम इस सेक्शन 30 को पहले हम रिलेट करते हैं 32 से, उसके बाद हम आते हैं 31 पे। सेक्शन 32 को 32 कहता है कि अगर जो हमने 30 में पढ़े जो भी पावर्स ऑफ द कोर्ट जो एप्लीकेशंस ऑर्डर समन्स वगैरह करती है कोर्ट इन केस में अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो इस सूरत में ये आपको पनिश हो सकती है। सबसे पहले इशू ऑफ़ द वारंट, अगर आप नहीं आ रहे आपकी प्रेजेंस मौजूद है आप नहीं आ रहे या आप कोर्ट के वायोलेट करते हैं जो ऑर्डर वगैरह पास किया तो दैट मीन्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इस केस में कोर्ट आपको वारंट भी इशू कर सकती है। ठीक, उसके बाद है अटैच एंड सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, इसमें अटैच मीन्स सीज द प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है, उसके बाद प्रॉपर्टी को उसके बाद भी अगर नहीं आते तो प्रॉपर्टी आपकी कोर्ट सेल भी कर सकती है। उसके बाद सी है द इम्पोज अ फाइन एंड अपॉन हिम द एक्सीडिंग 2,000 रुपीज, उसके बाद तीसरी पॉइंट ये है कि कोर्ट उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज कर सकती है जो कि 2,000 तक का होगा। डी है ऑर्डर हिम टू फर्निश ए सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस, या उसके साथ साथ सिक्योरिटी भी उसके फर्निश कर सकती है कि आप सिक्योरिटी वगैरह जमा कराएं, या उसके साथ साथ अगर आप फिर भी डिफॉल्ट करते हैं तो इस सूरत में आपको सिविल प्रिजन भी हो सकती है।
तो ये था हमारा सेक्शन 32। 32 में ये बात की गई, अगर हम वायोलेशंस करते हैं जो ऑर्डर जो सम्मन्स हमें किए गए इन सेक्शन 30, अगर हम उनकी वायोलेशन करते हैं तो यहाँ पे इनकी पनिश हो सकती है, वारंट इशू किया जा सकता है, प्रॉपर्टी सीज हो सकती है, प्रॉपर्टी सेल की जा सकती है, या इसके साथ साथ हमें फाइन भी लग सकता है, या इन केस हमें सिविल प्रिजन भी हो सकती है। ये हमारा था 32 सेक्शन। अब आते हैं 31 सेक्शन पे। 31 सेक्शन कहता है कि समन्स टू विटनेस। समन्स टू विटनेस से मुराद ये है कि जो भी हमने प्रोविजन सेक्शंस पढ़े 27, 28, 29, ये सब अप्लाई हो सकते हैं विटनेसेस पे। विटनेसेस पे कैसे है कि हम उस पर कोई समन्स उनको भी दे सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आए, या आप पेश हो सकते हैं, या अगर फॉरेन में हैं तो हम उनको भी सर्व कर सकते हैं, या किसी और स्टेट में है तो भी इन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सेक्शन से विटनेस को भी समन किया जा सकता है फॉर एनी पर्पज, फॉर द डॉक्यूमेंट, या उस खुद को बुलाया जा रहा है तो भी हो सकता है, या कोई डॉक्यूमेंट है या कोई और ऐसी चीज़ है तो उस सूरत में भी उसको बुलाया जा सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन 31 जिसमें विटनेसेस को समन किया गया है। सो आज का लेक्चर जो सेक्शंस पे मुश्तमिल था, सेक्शन 27 to 32, ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे। आगे हम इनको रिलेट करते हैं ऑर्डर 5 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे हमारे ऑर्डर 5 से। इससे पहले हमने सेक्शंस कवर किए जो ऑर्डर 5 से डील कर रहे थे, उनको ऑर्डर 5 के साथ ही रीड किया जाता है। तो 27 to 32 सेक्शंस के बाद आज हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे हमारा फर्दर ऑर्डर 5 से। बेसिकली ऑर्डर 5 इज़ डिवाइड इंटू टू पार्ट्स। वन इज़ इशू ऑफ द समन एंड अदर इज़ सर्विस ऑफ द समन। इशू ऑफ समन से मुराद के इशू कहाँ से होगा, या यानी कि इनिशिएट समन कहाँ से होगा, और सर्विस ऑफ समन जब डिलीवरी ऑफ द समन जो सेंड होता है, जो हमें रिसीव होता है, उसका प्रोसीजर जो डिफाइन किया गया वो दूसरे पार्ट में गया। अब हम आते हैं रूल फर्स्ट पे। रूल फर्स्ट कहता समन्स। समन से मुराद ये है कि जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है किसी सिविल कोर्ट में, इसके बाद डिफेंडेंट को समन सेंड किया जाता है। उस समन से मुराद ये होता है कि जो प्लेंट में क्लेम्स किए गए हैं उन क्लेम्स का जवाब देने के लिए डिफेंडेंट को अपीयर होना पड़ता है ऑन स्पेसिफाइड डेट। अब ये बात यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि समन के अंदर आपको दिन वाजे बताया जाएगा कि भाई आपको फला तारीख को फला कोर्ट में हाजिर होना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रोविज़ो में देखें तो प्रोविज़ो में ये बात क्लियर करते हैं कि अगर डिफेंडेंट खुद साथ आते हैं प्लेंट के और ये बात एडमिट भी करते हैं प्लेंट को, तो इस सूरत में उसको समन भेजना ज़रूरी नहीं। उसके बाद कहता है कि समन अगर जो डिफेंडेंट ने समन रिसीव किया है उसके बाद वो कैसे अपीयर होता है, अपीयरेंस के बारे में बताया गया है। सबसे पहली बात है कि इन पर्सन, कि वो खुद आके भी अपीयर हो सकते हैं, जैसे उनको रिसीव हुआ वो खुद ऑन स्पेसिफाइड डेट आ गए कोर्ट में। बी में कहता है प्लीडर के साथ, मींस वकील के साथ, अगर वो खुद नहीं आ सकता तो अपने वकील को भेज सकता है विद जो भी क्वेश्चन से, जो भी प्लेंट है उससे रिलेटेड उनको आंसर्स वगैरह देने के लिए कोर्ट को। उसके बाद कहते हैं सी में कहते हैं कि बाय द प्लीडर अकम्प्लेंट बाय द सम पर्सन एबल टू आंसर सच क्वेश्चन, या प्लीडर के साथ ऐसे शख्स को भी सेंड किया जा सकता है कोर्ट में, वो आ सकता है जो प्लेंट के अंदर क्लेम्स किए गए हैं उनका जवाब दे सके, कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके। इसके क्लॉज थर्ड के अंदर ये बात वादे कर दी है कि समन सेंड किया जाएगा, उस समन के अंदर बिल्कुल जज की सिग्नेचर होगी, या उसके अलावा जो अथोराइज ऑफिसर है जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है टू साइन टू रेक्टिफाई द समन, वो भी सिग्नेचर होगी। इसके साथ साथ कोर्ट की मोहर लगा के ये समन सेंड किया जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट रूल। अब हम इसको कलेक्टिवली एक रूल का स्ट्रक्चर लेते हैं कि समन जब भी सेंड किया जाएगा, कब कोई कोर्ट में कोई समन सूट इंस्टीट्यूट करता है उस सूट के बाद डिफेंडेंट को समन सेंड किया जाएगा, उसका मकसद यही होगा कि डिफेंडेंट अपीयर हो कोर्ट के अंदर जो आंसर दे क्लेम्स प्लान के दाखिल किए। उसके बाद ये बात की है कि अगर वो खुद आ जाते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है उनको समन दिया जाए। उसके बाद
ये बात की गई है कि वो इन पर्सन भी पेश हो सकते हैं, प्लीडर के साथ भी उसे, या ऐसा शख्स उसके साथ आ सकता है जो इसको कोर्ट को जवाब दे सके। उसके बाद लास्ट में ये बात की कि जो भी समन होगा वो साइन की गई होगी उसमें जज या अथोराइज शख्स से। लास्ट में उस समन को सील ऑफ द कोर्ट भी लगाई जाएगी। इट वॉज द रूल फर्स्ट। अब हम आते हैं रूल टू पे। रूल टू होता है कॉपी ऑफ स्टेटमेंट एनेक्स टू द समन। अब इसमें कहता है कि जस्ट हम समन नहीं सेंड करेंगे, उसके साथ साथ कॉपी ऑफ प्लेंट भी सेंड करेंगे, ताकि एटलीस्ट डिफेंडेंट को ये पता लग सके कि मेरे खिलाफ़ जो क्लेम्स दाखिल किए गए वो क्लेम्स क्या है, तो कंसाइज फॉर्म में ये भी सेंड करेंगे। तो रूल टू में ये बात वाजे कर दी है कि समन के साथ साथ हम प्लेंट की कॉपी भी सेंड करेंगे। अब आते हैं रूल थ्री पे। रूल थ्री हमारा कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन। इससे पहले रूल वन में हमने पढ़ा कि वो खुद भी आ सकता है, प्लीडर के साथ भी आ सकता है, या सम अदर पर्सन के साथ भी आ सकता है जो उसको जवाब दे सके कोर्ट को। तो रूल थ्री के अंदर ये बात वादे कर दी कि अगर कोर्ट इन पर्सन बुला रही है डिफेंडेंट को या प्लेंटिफ को, दोनों को, तो इस सूरत में उनको ही आना है, इन पर्सन ही पेश होना है। तो क्लॉज वन में बात करते हैं कि अगर पर्सनल अपीयरेंस डिफेंडेंट की रिक्वायर करती है कोर्ट, तो वहाँ पे डिफेंडेंट को ही आना पड़ेगा। और क्लॉज टू में बात करता है अगर कोर्ट को ये बात रीजंस में रिक्वायर होती है कि अगर वो प्लेंटिव को भी इन पर्सन ऑन सेम डे उसी दिन के ऊपर अगर रिक्वायर है, तो इस सूरत में प्लेंटिव को भी बुलाया जा सकता है। ये ऑर्डर रूल थ्री। रूल थ्री के अंदर सम एक्सेप्शन है। अगर ये कुछ एक्सेप्शन है सेक्शंस 132 और हमारा है सेक्शन 133। ये एक्सेप्शन है। 132 सेक्शन में हमारा पर्दा नशीन औरत, अगर कोई ऐसा पर्दा नशीन औरत है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस सूरत में वो अगर पेश नहीं होना चाह रही, तो इस सूरत में भी उसको एक्सेप्शन है, उसकी अथोराइज या उसकी बिना पर कोई और पेश हो सकती है। या इसके साथ है हमारा सेक्शन 133 भी यहाँ पे एक्सेप्ट है। 133 से मुराद ये है कि अगर कोई ऐसे शख्स जिसको गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने रोका है या उनको अवॉइड किया हुआ है द पर्सनल अपीयरेंस फॉर दैट, तो वो भी नहीं कोर्ट में आ सकते। तो ये दो एक्सेप्शंस थी आर्टिकल नट बट के सेक्शन 132 एंड 133। 133 सेक्शंस के अंदर जो शख्स, जिन शख्स को गवर्नमेंट अवॉइड करेगी फॉर द पर्सनल अपीयरेंस, इनकी लिस्ट भी टू द रिलेटिव हाई कोर्ट या उनकी हाई कोर्ट को भी लिस्ट दी जाएगी, ताकि वो उन शख्स को कोर्ट भी कॉल नहीं करेगी। और इसके साथ साथ क्या है कि ऑर्डर फाइव के रूल फोर को भी एक्सेप्शन है। तो रूल थ्री के अंदर पर्सनल अपीयरेंस के अंदर हमने ये पढ़ा कि उनको जब कोर्ट अगर रीजंस रिक्वायर करके अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को दोनों बुलाती है, तो इस सूरत में उन दोनों को पेश होना है। बट एक्सेप्शन भी हमने पढ़े कि सेक्शन 132, सेक्शन 133 और रूल फोर। रूल फोर में यह है कि अगर उसका लोकेशन जो है अगर ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसको प्रिविलेजेस है। तो ये तीन एक्सेप्शन थी इस रूल थ्री में। अब हम आते हैं रूल फोर पे। रूल फोर है नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंस इन सर्टेन लिमिट्स। अब यहाँ पे बात करती है कि पर्सनल, हमने इससे पहले पढ़ा कि भाई इन पर्सन उनको कोर्ट बुला सकती है, तो यहाँ पे आगे बात को वाजे किया है कि उस शख्स को इन पर्सन कोर्ट कभी भी नहीं बुलाएगी जो शख्स अब या तो वो अगर वो पैदल या बाय द फूट इजीली पहुंच सकता है, तो उसका होगा 50 माइल्स। तो अगर 50 माइल्स के अंदर अंदर अगर वो उसके कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के नज़दीक है, तो उसको कोर्ट कॉल कर सकती है। या उसके साथ अगर कोई कन्वीनियंस है वहाँ पे, जैसे रेलवे है या कोई और ऐसी कन्वीनियंस अवेलेबल है, तो वहाँ पे 200 माइल्स। तो ये यहाँ पे वाजे कर दिया गया है कि उस शख्स को ही बुलाएगी जो इन दो कंडीशन में उतरता होगा, उसके अलावा हर उस शख्स को नहीं कॉल करेगी जिसको डिफ़िकल्टी होती हो आने में। अब हम आते हैं रूल फाइव पे। रूल फाइव हमारा समन्स टू बी ईदर टू सेटल इशू और द फाइनल डिस्पोजिशन। रूल फाइव हमारा ये वाजे करता है कि समन जब भी सेंड किया जाएगा, समन में उसका मकसद वाजे कर दिया जाएगा कि भाई समन में समन भेजने का पर्पस क्या है। इधर ये सेटलमेंट ऑफ इश्यूज है और इधर फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ द
के सूट है। तो यहाँ पे ये बात करता है कि द कोर्ट शेल डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ इशूइंग समन वेदर इट शेल बी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इशू और द फाइनल डिस्पोजिशन, कि अगर जो समन सेंड किया गया है वो बाप बताया जाएगा कि अगर ये सेटलमेंट ऑफ इशूज हैं तो भी क्लियर कर दी जाएगा, या अगर फाइनल डिस्पोजिशन है तो इसमें भी क्लियर कर दे, जो भी डायरेक्शंस वगैरह होंगी वो कोर्ट वादे करेगी। समन भेजने का मकसद क्या है या समन में डायरेक्शन क्या दी हुई है। इसके बाद नीचे प्रोविजन में बात करता है कि अगर जो सूट है वो सिमाल काजिज पिटी मैटर्स पे डील करता है तो इस सूरत में डायरेक्ट समन किया जाएगा फाइनल डिस्पोजिशन का। इफ सूट इज़ गोइंग टू बी फाइनल डिस्पोजिशन, सो यहाँ पे समन फाइनल डिस्पोजिशन का किया जाएगा, नॉट द समन सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज। तो ये था हमारा रूल फाइव। रूल फाइव ने हमने ये पढ़ा कि समन में डायरेक्शंस दी जाएगी, समन का मकसद बताया जाएगा, समन ये वाजे कर दिया जाएगा कि समन में किस चीज़ के लिए आपको बुलाया जा रहा है, इधर आपको सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए बुलाया जा रहा है या इधर आपको फाइनल डिस्पोजिशन के लिए बुलाया जा रहा है। और इसके अलावा प्रोविज़ो में भी ये बात की गई है कि अगर पिटी मैटर्स हैं, सिमाल काजेज मैटर्स है, तो इस सूरत में आपको डायरेक्ट समन किया जाएगा फॉर द फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ द सूट। अब हम आते हैं रूल सिक्स पे। रूल सिक्स हमारा था फिक्सिंग डे फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट। अब यहाँ पे समन्स अगर हम सेंड करते हैं तो समन में अगर हमारा मकसद ये है कि हम डिफेंडेंट की अपीयरेंस का डे फिक्स कर रहे हैं तो इस सूरत में कुछ बातें मद्देनज़र रखी जाएंगी, वो ये होंगी कि प्लेस जहाँ से डिफेंडेंट आएगा या उसकी रेजिडेंसी है या उसके साथ साथ सर्विस है। फॉर एन एग्जांपल, ऐसा ना हो कोई एरिया देहात का एरिया है, वहाँ पे जाने में टाइम लगे और आने में भी वहाँ पे इतनी इजी कंफर्टेबल या कन्वेंस ना हो, तो इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखे। या अब करंट बिजनेस कोड का क्या है या उस शख्स का क्या है, ऐसे ना हो कि क्योंकि कोर्ट मसले या जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको ऐसे यूं ही नहीं हल करते हैं कि वो अगले शख्स को और दिक्कत हो और उसके लिए मसले पैदा किए जाएँ। सो इस रूल के अंदर ये बात वादे कर दी गई, जब भी पर्सनल अपीयरेंस की रिक्वायर होगी कोर्ट को डिफेंडेंट को समन करेगी तो समन में ये बातें ज़रूर मद्देनज़र रखेंगी कि टाइम क्या रखा जाएगा या उसको सफिशेंट टाइम भी हो ताकि वो बंदा वहाँ से पहुँच सके, उसकी रेजिडेंस प्लेस सब चीज़ें मद्देनज़र रख के उसका डे फिक्स किया जाएगा फॉर द अपीयरेंस का। ये था हमारा रूल सिक्स। अब हम आते हैं रूल सेवन पे। रूल सेवन कहता है समन्स टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट रिलाइड ऑन हिम। अब यहाँ पे बात करती, अगर इससे पहले हमने पढ़ा कि भाई पर्सनल अपीयरेंस समन किया डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट खुद आ रहा, अब हम समन कर रहे हैं डिफेंडेंट को कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे डिफेंडेंट रिलाई करता है वो सब डॉक्यूमेंट पेश करे कोर्ट में। तो इस रूल का मकसद ये है कि जब भी हम समन करेंगे तो समन के साथ डिफेंडेंट को ये ऑर्डर करेंगे कि आपको जिन जिन डॉक्यूमेंट्स पे आपको रिलाई है वो सब डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किए जाएँ। इससे पहले वाले हमने रूल्स में यह था कि किसी की पर्सनल अपीयरेंस हो रही थी समथिंग, तो यहाँ पर समन ये भी किया जा रहा है कि डिफेंडेंट के साथ साथ उसके डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए जाएं कोर्ट में। क्योंकि जब जब प्लान दाखिल होती है, प्लान के बाद जब डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट देता है तो रिटर्न स्टेटमेंट अगर वो क्लेम्स में डिनाई करता है डिफेंडेंट, तो इस सूरत में कोर्ट को भी एविडेंस चाहिए। अगर आप ऐसे तो वर्डिंग में डिनाई नहीं कर सकते, सो इससे रिलेटेड कि आप अपने फैक्ट्स को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए कुछ एविडेंस वगैरह डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में हो, सो इस सूरत में जिन डॉक्यूमेंट्स पर आप रिलाई कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट भी रूल सेवन ऑफ ऑर्डर फाइव में आपको कोर्ट में पेश किए जाए, उनका भी संबंध हो सकता है। अब हमारा रूल एट है। रूल एट में कहता है द ऑन इश्यू ऑफ समन फॉर फाइनल डिस्पोजिशन डिफेंडेंट डायरेक्ट टू प्रोड्यूस विटनेसेस। इससे पहले हमने ये थोड़ा बहुत टच ले लिया था कि जब भी समन सेंड किया जाएगा समन में उसका मकसद वाजे कर दिया जाएगा। अब रूल एट में हमने समन किया है कि फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ द सूट।
हमने क्या समन किया है कि फाइनल डिस्पोजिशन हो, समन में ये बात वादे कर दी कि भाई आप फाइनल डिस्पोजिशन कर रहे हैं इशू की, सो इस सूरत में आप, तो जब भी फाइनल डिस्पोजिशन का समन किया जाए तो उसमें आपको प्रोड्यूस ए विटनेस, जिन विटनेस पे आपको रलाए है, जो विटनेस आप अपने सूट में पेश करना चाहते हैं, जिससे जिसके नेम भी आपने मैंशन किए हो या जिन पर आप रलाए करते हैं या जो अपने आपके सूट को सपोर्ट करते हैं, तो इस सूरत में आप वो भी डिफेंड अपने जो भी विटनेसेस होंगे उनको भी कोर्ट में पेश कर सकता है। तो ये था रूल एट। रूल एट में हम कलेक्टिवली अगर लें तो ये हो जाएगा कि जब भी हम समन करेंगे तो समन में ये बात वाजे कर दी जाएगी कि फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ द सूट है, सो आप अपने जो भी विटनेस है जिन पे आप रिलाई करते हैं, जो आपके सपोर्टिंग टू द केस है, उन सबको भी कोर्ट में लाया जाए। तो ये था हमारा लेक्चर ऑर्डर 5 का, रूल 1 to रूल 8। इसके साथ साथ हमने सेक्शंस भी इनके कवर किए, तो रीड विद सेक्शंस एंड ऑर्डर्स हम कवरिंग करेंगे इंशाल्लाह। सो बाकी फर्दर जो पार्ट है 9 to 30 ये इंशाल्लाह हम अपकमिंग लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।